हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आपका स्वागत है। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीरीज होगी मैथमेटिक्स सैनिक स्कूल के लिए। सैनिक स्कूल का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है उसकी एक सीरीज चलाएंगे। पूरा सिलेबस हम इस सीरीज में कवर करेंगे। क्लास 6 के लिए क्लास रहेगी, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा सैनिक स्कूल के लिए, उसके लिए क्लासेस रहेगी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम रहेगा उसके सैनिक स्कूल के क्लास 6 के मैथमेटिक्स की क्लास की सीरीज रहेगी हमारी। और सबसे पहले मैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, तो ये 18 टॉपिक है, इसमें से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, देन सेकंड इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एससीएफ एंड एलसीएम, सिंपलीफिकेशन, यूनिटरी मेथड, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेजरमेंट एंड डेटा हैंडलिंग। From these 18 chapter, we will cover all of your syllabus. तो हम धीरे धीरे ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम, वट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इन विच वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इज टर्म्ड एज नंबर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में बात करते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर है उसको, उन नंबरों के बारे में किसी न किसी तरीके से बात करना, वो क्या होगा? नंबर सिस्टम होगा। एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मीन्स एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स। कैसे हम नंबर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट। नंबर वन इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहला आएगा इंडियन सिस्टम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? वंस प्लेस। इसको वंस प्लेस में बोला जाता है स्टूडेंट। देन वी हैव टेन प्लेस, देन आफ्टर टेन प्लेस हंड्रेड प्लेस, आफ्टर हंड्रेड प्लेस 1000 प्लेस, एंड आफ्टर 1000 प्लेस 10,000 प्लेस, आफ्टर 10,000 प्लेस इन इंडियन सिस्टम 1,00,000। और एक बात आप साथ साथ नोट कीजिए स्टूडेंट, मैं जब ये कॉमा प्लेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कॉमा कहाँ लगाया? तीन डिजिट के बाद, उसके बाद मैं दो दो डिजिट के बाद ये कॉमा पुट करूंगा। आफ्टर 1,00,000 10,00,000, 10,00,000 प्लेस, आफ्टर 10,00,000 1,00,000, और फिर आगे इसी तरीके से चलता रहेगा 1,00,000 के बाद 10,00,000। तो हमें आपके सिलेबस में इतना ही, इससे ज्यादा हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक ये बात ध्यान रखनी, आपको देख के ही नंबर ऐसा लिखा हो तो कैसे पता चलेगा इंडियन या इंटरनेशनल? तो इंडियन सिस्टम में कॉमा क्या लगेगा? हर दो दो डिजिट के बाद। फर्स्ट टाइम तो कॉमा तीन डिजिट के बाद ही लगता है, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो, बट इंडियन सिस्टम में उसके बाद आगे दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। देन नाउ वी विल डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, then 10 place, after 10 place 100 place, after 100 place 1000 place 1000, after 1000 10,000 place, after 10,000 Indian system में तो होता है 1,00,000, but in international system it is 100,000 place student, and after 100,000 1,000,000। In any system, it is equal to 10,00,000, 1,000,000 place. And then after 1,000,000, 10,000,000. 10,000,000 is equal to 1,00,000. 10,000,000 place. तो ये है international system. और international system में हम comma क्या है? हर तीन तीन digit के बाद put करेंगे, okay? अब हम बात करते हैं next types of number system. Number system के types के बारे में. तो first of all, natural number. नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्ट विद 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हो, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, अभी चलते रहेंगे आगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अप टू इनफाइनाइट। दिस इज साइन ऑफ इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। दीज आर नेचुरल नंबर। देन होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ऐसे सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर, वो होल नंबर में इंक्लूड होगा, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो चलते रहेंगे, ये भी इनफाइनाइट अप टू नो लिमिट इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। देन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे?
द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर. ऐसे नंबर स्टूडेंट जो वन और अपने आप से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर एंड दैट इज वन एंड इटसेल्फ. एक तो अपने आप से और एक खुद से, एक अपने आप से सॉरी और एक वन से. ठीक है स्टूडेंट, तो वन और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं. लाइक मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. अब मैं कुछ और इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा प्राइम नंबर. तो लाइक प्राइम नंबर आर एग्जांपल्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47 अप टू इनफाइनाइट टाइम. और जो ये मैंने प्राइम नंबर स्टूडेंट लिखे हैं, मैंने 1 to 50 लिख दिए हैं. 1 to 50 देखिए टोटल कितने प्राइम नंबर, 15. आप काउंट करेंगे देखो 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15. तो एक बात याद रखनी है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. तो देयर इज टोटल 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर स्टूडेंट. देन 51 to 100, 10 प्राइम नंबर स्टूडेंट. 51 to 100 कितने हो जाएंगे, 10 प्राइम नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट. और 101 to 150 देयर इज टोटल 10 प्राइम नंबर. तो 101 to 150 होंगे स्टूडेंट टोटल 10 प्राइम नंबर. तो आपको ये बातें याद कर लेनी, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100. तो टोटल कितना होगा, 1 to 100, 15 plus 10, 25. हाउ मेनी प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 150, तो 10 plus 10, 20. तो ये सारी बातें याद रखनी है. देन कॉम्पोजिट नंबर टाइप 4. कॉम्पोजिट नंबर स्टूडेंट कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो वन और अपने आप के अलावा कम से कम एक नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर. द नंबर विच इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन मोर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ. लाइक 4, 6. अब 4 एग्जांपल है, देखो 4 1 और 4 से तो डिवाइड होगा, पर 4 2 से भी डिवाइड होता है. ठीक है, लाइक 6 है, 6 1 एंड 6 से भी डिवाइड होगा स्टूडेंट, बट इट इज डिविजिबल बाय 2 3 आल्सो. तो कम से कम एक भी नंबर से डिवाइड हो जाए ना, 1 और एक्सेल के अलावा. ठीक है, तो ऐसे वो होंगे कंपोजिट नंबर. सिंपल भाषा में बोले तो हम क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम नंबर. मतलब जिनके कम से कम तीन फैक्टर जरूर होंगे, मतलब एक तो वन होगा, एक इटसेल्फ होगा, एक तीसरा कोई भी नंबर हो सकता है. तो वो हो जाएंगे बच्चे कंपोजिट नंबर. देन नेक्स्ट इवन नंबर. इवन नंबर क्या होंगे, द नंबर विच हैव यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 और 0. ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो इवन नंबर हो जाएगा. ठीक है, हमें सिर्फ नंबर को देख के ही पता लग जाएगा कि इवन है या ऑड है बाय लुकिंग देयर यूनिट प्लेस. हम उनका यूनिट प्लेस चेक करेंगे, अगर यूनिट प्लेस 2 है स्टूडेंट, 4, 6, 8 और 0 इनमें से कुछ भी है तो वो नंबर हो जाएगा इवन. और इसी तरह ओड नंबर, ओड नंबर के लिए फिर वही यूनिट प्लेस चेक करेंगे, अगर यूनिट प्लेस स्टूडेंट 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वो नंबर होगा ओड हो जाएगा. टोटल 10 ही डिजिट है इस पूरे यूनिवर्स में, और 10 में से 5 इवन है, 5 ओड है. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. जुड़े रहे हमारे साथ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. बाय बाय. जय हिंद. We'll be right back.